सो गाइस अभी हम लोग यम्बो पहुंच गए हैं। वेलकम टू द क्लीनेस्ट सिटी इन सऊदी अरेबिया। तो जैसे आप लोग जानते हैं यम्बो तीन हिस्सों में बटी हुई है। पहला है यम्बो अल बहर, और दूसरा यम्बो सुनाई, और तीसरा यम्बो अल नखल। तो आप लोग ये व्लॉग में आप लोग देखेंगे यम्बो अल बहर और यम्बो सुनाई। सऊदीया के मगरबी साहिल में और मदीना मुनव्वरा से कुछ दूरी पे ये शहर बसता है। सॉफ्टपन और सुकून इस शहर की खासियत है, लेकिन इस शहर की फैक्ट्रियों का शोर पूरी दुनिया में सुनाई देता है, क्योंकि इस शहर की पोर्ट से 130 मिलियन टन पेट्रोल सालाना पूरी दुनिया में जाता है। यम्बो। सो गाइज अभी हम लोग यम्बो वाटर फ्रंट में हैं, और बहुत अच्छी जगह है, और अगर आप अपनी फैमिली के साथ शांति में घूमना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी जगह है सऊदी अरब में, जो आप अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ आके घूम सकते हैं, क्योंकि इस जगह में सऊदी गवर्नमेंट ने इतना फीचर्स दिया हुआ है कि आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये पार्किंग बहुत खूबसूरती से बनाया गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और ये जगह जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एमपी थिएटर है, यहाँ बनाया गया है, और यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शन, कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया। और अगर आप बीच में खड़े होकर इस जगह पे बोलेंगे तो आपको माइक की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी आवाज़ हर जगह पहुँचेगी। तो अभी इस जगह पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे क्या मेरी आवाज़ साथ कुछ आती है, और क्या साथ की आवाज़ मेरे पास आती है। केडी वाले फ्लॉप के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक शेयर लाइक शेयर करें और अपना कमेंट नीचे लिखें। पीस आउट। और जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, और यहाँ फुटबॉल का क्रेज़ बहुत है। तो जब भी कोई ना कोई फुटबॉल का मैच होता है तो इस स्क्रीन पे चलती है, आपको बस अपना चेयर ला के यहाँ पर कहीं बैठना है, या जो स्टेज बना हुआ है आप यहाँ बैठ जाइए और आप अपना मैच आराम से देख सकते हैं। और गारबेज फेंकने के लिए आप लोग को जगह जगह ऐसी बॉक्सेस मिलेंगे, जहाँ के आपको हर एक बॉक्स में अलग चीज़ डालनी होगी। जैसे फूड स्क्रैप आपको यहाँ डालना होगा, और अगर कोई रिसाइकेबल वेस्ट है तो आपको इस बॉक्स में डालना होगा, और बाकी जो सामान होता है इसमें। तो ये ना करें यहाँ आके कि आप हर एक चीज़ को एक ही बॉक्स में डाल दें, क्योंकि इन लोग कुछ कुछ सामान रिसाइकल करते हैं, कुछ कुछ सामान कहीं और चीज़ में यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यम्बो का वेदर हमेशा प्लेजेंट नहीं होता है, कभी कभी धूप काफ़ी तेज़ होती है, जैसे कि अभी हो चुकी है। यहाँ पर आज़ा टेंट ये सब बनाया गया है जो आप लोग देख रहे हैं, और ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस कोई भी खाली जगह देखना है ना, सामान ले कर आइए, यहाँ बैठिए, आराम से इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ। और एक नहीं है, बहुत सारी जगह है, आप लोग अगर देख रहे होंगे वहाँ पीछे। अच्छा, इस जगह की खूबी यह है कि आप दिन में आएँ या रात में आएँ तो आपको ये जगह मिलेगी इस टाइप की, पूरी रोशनी वोशनी यहाँ देखिए लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ एक सॉकेट भी दिया हुआ है, यहाँ देखिए नीचे, जो कि आप यहाँ कोई कोई लोग आके अपनी टीवी और पीएस यहाँ के खेलते हैं समुंदर के पास, या आपको अगर अपना मोबाइल चार्ज करना है, कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं आराम से। देखिए खूबसूरती इस जगह की। और रात में आपको यहाँ एकदम एक अलग ही व्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ हर जगह रोशनी लगी हुई है। और यहाँ आप क्या कर रहे हैं? बैठ सकते हैं। अच्छा, हाँ बैठ सकते हैं यहाँ पर। हाँ, जैसे कि वहाँ पर कभी भी कुर्सी नहीं मिलती है कहीं। चलें आप, आते हैं आपको स्विमिंग एरिया। और सबसे अच्छी जगह मेरे हिसाब से ये जगह है, यहाँ स्विमिंग एरिया है। क्यों स्विमिंग एरिया बनाया गया है? क्योंकि समुंदर में हमेशा ख़तरा रहता है, तो उस ख़तरे से लोगों को बचाने के लिए ये एक जगह बनाया गया है, जहाँ के एक लिमिट बनाया गया है, और बहुत सारे लाइफ गार्ड भी हैं यहाँ।
तो आप आराम से आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आके यहाँ स्विमिंग कर सकते हैं बिना किसी चीज़ के डर का। इस वाटर फ्रंट में सिर्फ ये एक एरिया नहीं है स्विमिंग का, इस तरह चार पांच और जगह है। और कभी कभी धूप ज़्यादा तेज़ होती है या गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती तो आप अपनी कार को समुंदर के सामने आके खड़ी कर सकते हैं और समुंदर का लुत्फ़ अपनी कार से उठा सकते हैं, जैसे कि ये जगह बनाया हुआ गया है। और देखिए कितनी अच्छी जगह है, आप अपनी कार को जैसे वहाँ लोग खड़े हैं, आप अपनी कार को यहाँ खड़े करके कार ही के अंदर से आप समुंदर का नज़ारा देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ बनाई गई है जो कि स्पोर्ट एरिया है, और जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने, आपको अगर कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है, चाहे वो फुटबॉल हो गया या वॉलीबॉल हो गया या बास्केटबॉल हो गया, तो आप यहाँ इस जगह पर आके खेल सकते हैं। सो गाइस, जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे सूरज ढल रहा है, वैसे ही हम अपना यही व्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया है, प्लीज़ इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ अकारिब के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जैसे आप लोग देख रहे हैं टाइफ के लोग जब यम्बो आते हैं क्या क्या करते हैं देखते हैं। ये आदमी पिघल रहा है, लेकिन आप लोग के लिए कंटेंट बनाने के लिए सड़क पे भाग रहा है। सलाम।